रुख अगली खबर का। अब 12 घंटे से भी कम वक्त में बिहार में पहले दौर का मतदान होगा। 10 जिलों में 5 जिले नक्सल प्रभावित हैं। चुनाव आयोग ने पहले दौर के मतदान की तैयारियां पूरी कर ली। बिहार में उम्मीदों की धड़कन तेज हो गई। ताल ठोक रही पार्टियां भी अंतिम घंटे की रणनीति बनाने में सिर खपा रही हैं। पहले फेज के 10 जिलों की 49 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। जिन जिलों में वोट डाले जाने हैं वो हैं समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा और जमुई। चुनाव आयोग के मुताबिक 49 विधानसभा क्षेत्रों में 1,35,00,000 मतदाता वोट डालेंगे। इसमें 72,28,000 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 63,07,000 महिला मतदाता। 49 सीटों में 586 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 12,686 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। फील होगा हर एक वोटर से, वो जरूर अपना वोट को एक्सरसाइज करें, हर एक आदमी आके अपना वोट को कास्ट करे। इस चरण में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शकुनी चौधरी, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस, बीजेपी की रेणु कुशवाहा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह, जेडीयू के विजय चौधरी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के रामदेव वर्मा की साख दांव पर है। पहले चरण में एनडीए की ओर से बीजेपी के 27, एलजेपी के 13, आरएलएसपी के 6 और हम के 3 प्रत्याशी हैं, जबकि महागठबंधन के जेडीयू के 24, आरजेडी के 17 और कांग्रेस के 8 प्रत्याशी चुनावी समर में हैं। इलाके में करीब 1,20,000 जवान तैनात हैं। पहली बार चुनाव में ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया गया है। सुजीत झा के साथ कुमार अभिषेक, पटना आज तक।